इधर आओ नाबालिगों आओ, तुम्हारे स्वागत में मैं खड़ा हूँ। कितने नाबालिग हो? 15 साल, 16 साल, कैसा हो साहब? 17 साल। 17 मैंने बूझ रहे हो कि एकदम दन दे, हम नाबालिग हो जाएंगे। हो जाओगे बालिग, तनी इंतजार करो, तुरे पप्पा दे देते हैं भाई। कहाँ दे देते हैं? पप्पा को फ़ोन लगाओ, नंबर बताओ, बात करें तुरे पप्पा से। हम हाँ, नंबर दो, फोन नहीं चलाते हैं तो हम गाड़ी तुम्हारी खड़ा करा लेंगे। जब पप्पा को लेके आओगे तो गाड़ी देंगे, तुमको तो नहीं देंगे। यही तो मैं रोक रहा हूँ कि नाबालिगों को रोकूंगा, एक्सीडेंट कम होगा। और तुम लोग तीन तीन चर बैठते हो, पाँच पाँच तक मैं देखा हूँ बैठते हो। गाड़ी इधर जरा बेटा लगाओ किनारे, तो लगाओ। जब एक पकड़े जाओगे तो चार के परिवार सावधान हो जाएगा। हाँ, लगा दो और आगे करके लगा दो। अरे शाबाश, गाड़ी लॉक करो, एकदम लॉक कर दो हैंडल। तो हाँ लो जब हैदा, ठीक ना? अब नंबर नहीं देता रहा तो अपने पापा के बुलवावा, ठीक ना? अब हम उन्हीं से बात करो, तो नहीं बात करो। कहाँ घर हो? जमुई। कहाँ बा? कितना दूर? 6 किलोमीटर। टेम्पू पकड़ के जा। पैसा बा? नहीं दे टेम्पू का पैसा, लेकिन जा बुला के ले आओ अपने पप्पा के। जा कोई दे, वो आई है तो हेलमेट लेके आई है तब दे। जा बेटा। चाचा जी का नंबर है। चाचा जी फोन बात तो हो हुई फोन तो आजकल का लड़का आवा जा, बिना फोन के तो तुम लोग पढ़ाई ना कर ले जा। घर पे तो लोग क्यों लगे फोन लिखे? ऐसा बात, नंबर दे हम उनके बोला ली। क्या नाम है उनका? सूर्यनाथ चौहान। चाचा हैं? सॉरी, पिताजी कहाँ तो आ रहे हैं? पिताजी नहीं है। अरे हाँ चौहान जी, आपका भतीजा मुझे मिला है, मैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर जो है बोल रहा हूँ। आ जाइए हेलमेट लेकर के चौराहे पर, बाइक मैं रुकवा लिया हूँ, ठीक है? बिल्कुल नाबालिग बच्चा है, तीन तीन बैठे हैं बिना हेलमेट के, इसलिए बाइक रोका हूँ। हमका एक आपके घर से कोई गार्जियन आएगा हेलमेट के साथ तो उसे दे दूँगा, ठीक है सर? आ जाइए सर। कौन हाल है? ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी हमारी आपकी है। कौन बच्चे को दिए थे इन दोनों में से? हमारे भतीजे है सबके सब। हाँ, वो हमारे भाई का लड़का है, वो भी। अच्छा तो सुनो साहब, इनके परीक्षा रहा, कुबेरा होते रहा, तो गाड़ी लेके जो बाकी क्या करे जो बच्चे? ना, पहले से आके सबको साइकिल दीजिए। साइकिल सबक में साहब लेकर कहे दे रहे हैं आप? गाड़ी की चाबी मत दीजिए। सुनिएगा, एक दिन भर भर आंखी आंसू लेकर रोवा जा। सही बात है, ये एक्सीडेंट में ही रोडे पर फोटो बन जाए लोग ना, रोएंगे या रोवा जा रोएंगे। यही से हम नाबालिग जितने बच्चे हैं उनको गाड़ी देखता हूँ तो पकड़ लेता हूँ। आपके फोन गए तुरंत हम खेत में से भेज कर भाग ले जाओ, तो खेत में से आ गए, कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपकी बुद्धि जब तक नहीं खुलेगी अब इनको गाड़ी आप नहीं देंगे। आज तो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन अगर फिर दोबारा देंगे तो नाबालिग में मैं गाड़ी को बंद कर दूंगा। क्योंकि देखिए, लड़के अगर गलती कर रहे हैं तो आप गार्जियन समझाएंगे, गार्जियन अगर समझ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर लड़के के हिसाब से गार्जियन भी चल रहे हैं तो हमारी मजबूरी है कि कानून का पालन, ठीक है? तो अभी अब जो है चाबी आपकी ये लीजिए और हेलमेट लगाइए, गाड़ी लेके जाइए और इनको दोबारा से दीजिएगा नहीं। गाड़ी आपकी ये है ना? एक को नाबालिग को मत दीजिए, ये बहुत तकलीफ देंगे सब, ठीक है? वो लड़का चला गया होगा स्कूल, तुम काहे नहीं गए हो? हम तो कहें तुम्हारे चाचा आएंगे, हमको फोन करेंगे। जाइए, इसी के लिए बुलाए थे कि थोड़ा परेशान आप भी हो जाओ, तभी आपके समझ में आएगा, है ना? अब दोबारा दीजिएगा मत इनको।